और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में, जहां पर रामानुज प्रसाद क्या कुछ बोल रहे हैं सुनते हैं। लेकिन हाथी आपने मंच पर लगा दिया। हाथी गणेश जी को तो आप हमसे छीन लिया, चाहे जिन कारणों से छीन लिया, लेकिन हाथी हम लोगों को देखने के लिए वहां नहीं देख रहे हैं, तो मंच पर आपने लगा दिया। इसलिए प्रमोद भाई को ये डायरेक्टर साहब को कोटि कोटि धन्यवाद कि हाथी कम से कम आप लोगों ने हम लोगों को दिखला तो दिया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप मेला में पहले भी आते रहे और हम लोगों के बीच के हैं, आप कोई राजगीर नालंदा के हैं नहीं, ये हमसे बहुत ज्यादा आप अंतर रखिएगा। आप तो हमारे बीच के पटना, हम लोगों की यही लड़ाई है कि हमारा ये सोनपुर पटना हो जाए। पटना में था भी, ये ग्रेटर पटना का पार्ट भी है, तो आप तो हमारे बीच ही के भाई हैं, वो आप राजगीर के लिए डंडी हमारे साथ नहीं मारिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका आना हमें अच्छा लगता है कि डंडी मारने वाला हमारे बीच नहीं आएगा, जो सब चीज राजगीर ले जाना चाहता, लेकिन आप राजगीर में जाए, हमने कहा था, हाउस में भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा, राजगीर खूब बढ़े खूब सजे, लेकिन किसी दूसरे को खत्म करके, किसी दूसरे के अस्तित्व को अंदाज करके नहीं हो, ये हमारा रहा है। तो ये हमारा सोनपुर का जो जो ऐतिहासिक महत्व है, इसका धार्मिक महत्व है, उससे ज्यादा ये हमारे सोनपुर मेला का महत्व आर्थिक गतिविधि का हुआ करता था। ये हमारा पशु मेला अभी उद्घोषिका कर था, वो बोल रही थी सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध पशु मेला, पशु ही नदारद हो गया, कारण चाहे जो हो, एनजीओ के लोगों ने कोई सदन किया और आपने कोई बेहतर प्रयास